हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नी टेक में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ। अब मैं काइन मास्टर का इस्तेमाल करता हूँ, आपको तो पता ही होगा, वाटरमार्क देखा होगा आपने। ये है काइन मास्टर और यहाँ पे ये कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके का इंटरफेस। ये सब मैंने वीडियोज़ बनाया हूँ, ये सब आपको दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिप्स चूज़ कर सकते हैं ऐड क्लिप्स करके, मीडिया ब्राउज़र में। कहाँ गया मेरा इंट्रो, नया वाला जो डाउनलोड किया है वो कहाँ है? डाउनलोड्स में होगा, डाउनलोड फोल्डर कहाँ पे? ये कभी कभी कन्फ्यूजन होते रहता है। हाँ ये रहा, ये इंट्रो पहले आप डालोगे, उसके बाद DCIM कैमरा से ये जो मैंने आप क्लिप्स अभी रिकॉर्ड किए वो डालोगे, उसके बाद टिक करोगे क्योंकि आउट्रो हमारा है नहीं। यहाँ पे आप टिक करो और पीछे लेके आओ इसको इस तरीके से। ये आपका पूरा टाइमलाइन आपको देखने को मिलता है, उसको आप प्ले कर सकते हो। फिर ये आपका मेरा इंट्रो आएगा, नया वाला जो रखा है। आवाज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। इंट्रो के बाद ये मेरा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप एनिमेशंस भी दे सकते हो, अलग अलग टाइप के आपको एनिमेशंस भी देखने को मिलती है। जैसे ये वाली मैं देता हूँ हमेशा, ये वाली देते हैं। आप देखते हैं, मैं प्ले करता हूँ, ये आपको एनिमेशन आता है, उसके बाद वीडियो शुरू हो जाती है। इस तरीके से मैं कुछ करता हूँ और आगे जाके मैं और भी ट्यूटोरियल वीडियो बताऊँगा। आप देते हैं इस पर कैसा रिस्पांस मिलता है, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा, जैसे अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स की या फिर और भी थंबनेल वंबनेल मैं कैसे बनाता हूँ वो सब। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ये टाइपिंग सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं काइन मास्टर का, क्योंकि स्ट्रेट टाइपिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वर्टिकल टाइपिंग ज़रा मुझे कम्फर्टेबल नहीं है। ये मर्चेंडाइज के मैं कलर्स बता रहा हूँ, ब्लैक वाइट एंड येलो। अभी मैंने ब्लैक वाला पहना हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप एनेबल करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट में ब्लैक बैकग्राउंड मिलता है, प्ले करते हैं और ये आ जाता है। एनिमेशन भी दे सकते हैं यहाँ पे, जब आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो आपको इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन भी मिलता है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट का आपको एकदम लेफ्ट साइड में मिलता है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ओके करके फिर इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और बीच में एकदम एग्जैक्ट करके एनेबल बैकग्राउंड करोगे तो ये अच्छा दिखता है। ये अच्छी बात है। ये वीडियो के अंदर वीडियो, एक्चुअल में एक वीडियो शूट हो चुका है, 3-4 दिन पहले आया था, तो मैंने वीडियो के अंदर वीडियो शूट कर दिया है, ये अच्छी बात है। और ये वीडियो मेरा चलेगा और ये अब ख़त्म होगा तो फिर से एनिमेशन आएगा, ट्रांजिशन मतलब। या आप ट्रिम कर सकते हैं इस पर और एनिमेशन दे सकते हैं। ये सब मैंने डाउनलोड किया हुआ, आप काइन मास्टर असेट सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्या है, आपको काफ़ी सारी अलग अलग एनिमेशन भी मिलती है और ट्रांजेक्शन्स। पहले बात करते हैं इसके लॉन्च। ये एनिमेशन आई और फिर मेरा शुरू हो गया। और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी मैं स्पेसिफिकेशन आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखती है वो सब मैं इस तरीके से टाइप करता हूँ। ये लॉन्च डेट 4 मार्च की, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हैं पूरा। मैं आपको डिटेल तो देने वाला हूँ, जी हाँ, पूरा वीडियो मैं ये शूट कर रहा हूँ। और आप बताना और ऐसी वीडियो चाहिए क्या कमेंट्स में। यहाँ पे आप डिस्प्ले टाइप कर सकते हैं, डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले, ये सब मैं स्पेसिफिकेशन टाइप करता हूँ देख के। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और ये PPI डेंसिटी 395। मुझे वैसे याद रहता है स्पेसिफिकेशन, आप लोग बहुत लोग बोलते हो देख के क्यों बोलता है, मुझे एक्चुअली स्पेसिफिकेशन थोड़े बहुत याद रहते हैं, पर फिर भी मैं चेक करने के लिए देखता हूँ, पूरा टाइम नहीं देखता हूँ मैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत है तब मैं साइड में फ़ोन पे देखता हूँ, वरना फ़ोन पे कुछ नहीं देखता। 6.67 इंचेस का यहाँ पे डाल दिया, इस तरीके से आ गया। अच्छा डिस्प्ले मिलता है, बड़ा डिस्प्ले है, 120Hz की आपको रिफ्रेश रेट मिलती है और 450Hz फिर से आएगा। अब इस तरीके से आप ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे करके। इसका थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा था, इसलिए मैंने ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है। और जोर से करना बताना ये वीडियो कैसी लग रही है अभी तक। कलर्स आपके एकदम बहुत अच्छे मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने गेम जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गेम जोन नहीं अब तो गेमिंग हो गया है जी, अर्नी गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अर्नी गेमिंग, वहाँ पे मैं गेम की वीडियो डालते रहता हूँ, 2K19 और फॉल गाइज वगैरह के, उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पे और एक टेस्ट आ गया है, एंड्रॉयड 11 और आपको MIUI 12 ही है ना, हाँ 12 है। यहाँ पे आप ओके करके इसको बड़ा छोटा करके डाल सकते हो। कलर्स एनिमेशंस ये सब आपको इसमें मिलता है,
सो ये काफ़ी इजी है, मुझे रोज़ मैं करते रहता हूँ ये सब, तो मुझे तो काफ़ी इजी लगता है। हाँ जो नए लोग हैं वो जो आप पहली बार अभी वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं काइन मास्टर कैसा है, सबको पहली बार में ज़रा हार्ड लगे, मुझे भी हार्ड लगता था और कॉम्प्लिकेटेड था, पर जैसे जैसे मैं वीडियोज़ बनाते गया एडिट करते गया अब मुझे काफ़ी ईजी लगता है। सो अब मैं एकदम फटाफट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्रोसेसर का, मैं शॉर्ट फॉर्म डालता हूँ स्नैपड्रैगन का एसडी, और मीडियाटेक का तो मीडियाटेक ही रखता हूँ। यहाँ पे ऑक्टा कोर चिपसेट और नीचे एड्रेनो 618 जीपीयू। इस तरीके से आप मैं कुछ करता हूँ क्योंकि आपको जो दिखे वो अच्छा दिखे, वो ख़राब नहीं दिखे। जीपी आया नहीं यार, जीपी यू यू, अरे यार आई यू नहीं यू। हाँ ये क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक होते रहती है वो ठीक है। इसको मैं इस तरीके से प्लेस करता हूँ और फिर ऊपर जाके उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ काला वाला। सो ये इस तरीके से आता है और मैं प्ले करता हूँ। सो आप देख रहे हैं ये मैं बोल रहा हूँ, जो स्पेसिफिकेशन बोलता हूँ वही आपको साइड में दिखता है, ताकि आपको अगर आवाज़ ना ठीक से सुनाई दे तो आप देख के भी समझ सकते क्या है। एड्रेनो 618, यानी अगर आप हिंदी आपको समझ में नहीं आती हो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी समझ में नहीं आती तो आप साइड के स्पेसिफिकेशन देख के भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकेशन टाइप करता हूँ। और 8GB RAM 128GB स्टोरेज के आपको RAM एंड स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं। UFS 5 मिनट की वीडियो थी ये, वैसे मैं बता देता हूँ ये Redmi Note 10 Pro Max का फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस का वीडियो है, जो अभी 3-4 दिन पहले मैंने डाला था, उसका ही मैंने शूट किया था जब एडिटिंग कर रहा था उसकी, तो ये थोड़ा पुराना वीडियो है, अभी रिसेंटली वाला नहीं है ठीक है। पर ये 108 megapixel क्वाड कैमरा, कैमरा को मैं कैम लिखता हूँ क्योंकि जो पूरा वो फ्रेम है उस फ्रेम में वो बैठता नहीं है कैमरा पूरा, और वो मेरे बॉडी पे एकदम वो टेक्स्ट कवर हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे ये भी यूज़ करता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स। सो ये मैक्रो और 2 megapixel का डेप्थ, इस तरीके से आप फिर डाल सकते हैं बड़ा छोटा करके। अभी प्ले करते हैं, तो मैं जब बोलता हूँ 108 megapixel तभी वो देखिए साइड टेक्स्ट में शो करता है। सो वो एकदम मैं टाइम से करता हूँ, नीचे आपको टाइम लाइन वैसे भी दी हुई है सो आप उसको देख के कर सकते हो। सो हाँ ये भी मैं कभी कभी डालता हूँ, टेल मी इन द कमेंट्स, कमेंट का क्या है स्पेलिंग, डबल एम है कमेंट्स, द फुल फॉर्म ऑफ FOE, वैसे FOE का फुल फॉर्म बता देता हूँ, वो वीडियो तो वैसे भी काफ़ी पुराना हो चुका है, पुराना मतलब 4-5 दिन हो गए, तो FOE का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, जी हाँ फील्ड ऑफ व्यू, जी हाँ फील्ड ऑफ व्यू है FOE का फुल फॉर्म, मुझे तो पता है आप जरूर से कमेंट में बताना। सो इसका आंसर आपको दे दिया मैंने आज, 5 megapixel का डेप्थ है, 2 megapixel का डेप्थ है, दोनों में दोनों साइड में आप देख रहे हैं जिस गोल मिलता है आपको सर्कल साइड राइट साइड में, उसके नीचे आपको एक और एक बटन मिलेगा, वो है आपका काइन मास्टर का असेट स्टोर। सो वहाँ पे आप जाके नए नए ट्रांजिशंस और एनिमेशंस ले सकते हैं, फ्री के ही है आपको, मुझे लगता है 10-15 सेकंड की एड देखने को मिलेगी, और उसके बाद आप जो कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस डाल सकते हैं। सो और ये जो व्हील है उसमें आपको लेयर मिलता है, एकदम लेफ्ट साइड में लेयर है, उस पर क्लिप करके आप और क्लिप्स और टेक्स्ट वेक्स डालने होंगे, तो आप देख सकते हैं लेयर पे, लेयर पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आप टेक्स्ट से जो कि टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और क्लिप्स अगर ऐड करने तो ऊपर मीडिया दिया हुआ है, मीडिया से आप और भी क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, और जो एकदम राइट साइड में ऑडियो उससे आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डाल सकते हैं, या आपके क्लिप में अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो वो सब कर सकते हैं आप, और नीचे जो है रिकॉर्ड उससे आप वॉइस ओवर दे सकते हैं, जिससे अभी मैं दे रहा हूँ वॉइस ओवर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कनेक्टिविटी का, वो सबसे मतलब लार्जेस्ट होता है टाइपिंग का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, ब्लूटूथ 5.1 GPS ग्लोनास वगैरह, तो कहीं कहीं भी जब छोटा होता है जैसे कि स्पेसिफिकेशन कम होते हैं, मतलब सेंसर ये कनेक्टिविटी के मामले में जो फ़ोन इतना खास नहीं होता है उसका कम होता है, लिखना कम पड़ता है, पर जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए ज़्यादा लिखना पड़ता है। सो अरे यार मैंने स्पेस क्यों छोड़ दिया, एक मिनट, हाँ स्पेस हटाओ, अभी छोटा है क्योंकि इस फ़ोन में NFC वगैरह नहीं है, NFC रेडियो वगैरह,
वरना जिस फोन में NFC रेडियो वगैरह होता है उसमें आपको वो सब भी ऐड करना पड़ता है, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है बॉक्स, जो कि कभी कभी फिट ही नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पर आप लोग बोलते हो कि मैं बड़ा रखूँ क्योंकि ईजिली दिख जाए, तो इसलिए मैं कभी कभी कम टाइप करता हूँ, स्पेसिफिकेशन टाइप कम करता हूँ और आप बोलने पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो। सो यहाँ पे और हाँ एक चीज़ और है जो एकदम लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, एक हरी बत्ती जो ऊपर नीचे हो रही है बार बार, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हो उसके ऊपर L और R भी लिखा हुआ है, वो आपका वॉल्यूम का है, जी वॉल्यूम कितना हाई पिच तक जा रहा है और कितना लो पिच तक आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों का इक्वल है, क्योंकि मेरा फ़ोन से मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एकदम बीच में, इसलिए दोनों का बैटरी जो है, बैटरी दोनों का है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पर आता है। सो आगे पीछे का होगा, यानी कि लेफ्ट बड़ा, लेफ्ट में ज़्यादा वॉल्यूम, राइट में कम वॉल्यूम। तो अगर आप ईयरफोन वगैरह पहनते हो तो उसमें अजीब सा लगता है, इसलिए दोनों का ऑलवेज अगर आपको शूट करना है तो इक्वली शूट करना है, यानी कि दोनों का ऊपर एक साथ जाए और नीचे एक साथ आए। आप देख सकते हैं मेरा हमेशा दोनों ऊपर एक साथ जाता है और एक साथ नीचे आता है। सो ऐसा आपको भी करना है। और वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट के ऊपर हो गए, पर ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि मैं अपने वीडियोस को कैसे एडिट करता हूँ। सो बहुत दिनों से आप वैसे ही वीडियो मांग रहे थे, तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। और मैं भी कब से सोच रहा था करूँगा, पर मैं रोज़ एडिट करते रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जा रहा था, बस मैंने आखिरकार रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। और ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो लाइक करना ज़रूर से। और आप सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, और 3 कलर्स मिलते हैं, डार्क नाइट, ग्लेशियर ब्लू और विंटेज। और ऊपर वैसे आपको वाटरमार्क भी मिलता है, आप देख सकते हैं काइन मास्टर का वाटरमार्क है, वो अगर आप प्रीमियम वाला लेते हो काइन मास्टर तो वो आपका वाटरमार्क नहीं लेगा और एड्स नहीं मिलेंगे, वो थोड़ा महंगा है। मैं लूँगा प्रीमियम और थोड़े मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने दो, 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं सोच रहा हूँ कि ये लूँ काइन मास्टर प्रीमियम, जिससे फिर वाटरमार्क हट जाएगा और नए नए आपको फिल्टर्स फ्री के मिलेंगे विदाउट एड, और एक्सपोर्ट भी आप मुझे लगता है 4K में शायद कर सकते हो। सो 300 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, मेरा अभी तो 231 हुए हैं अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 300 जब हो जाएंगे तब मैं लूँगा वो काइन मास्टर का प्रीमियम असेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने उस लेयर पे क्लिक किया था तो टेक्स्ट मिलता है, उससे आप जो कि अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, उसको एनिमेशन डाल सकते हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और ये सब कर सकते हैं। टेल मी इन द कमेंट विच इज़ योर फेवरेट कलर। चलो ये सब भी हो गया, ऑलमोस्ट वीडियो ख़त्म होने आ रहा है। आप देख सकते हो ड्यूरेशन 5 मिनट्स 28 सेकंड्स का है और मैं 4 मिनट 41 सेकंड्स पे पहुँचा हूँ अभी, सो हो जाएगा थोड़ी देर में ख़त्म। और ये हो गया, उसके बाद में कलर्स भी हो गए, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह भी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वैसे रिकॉर्डेड है, मतलब मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, पीछे से मैं वॉइस ओवर जो है बाद में दे रहा हूँ, जी ये आवाज़ मेरी बाद में आ रही है, वीडियो ऑलरेडी प्ले हो चुका है, सो ये भी ध्यान रखना। आवाज़ अगर आगे पीछे हो रही है ये बाद की वीडियो है, मतलब मैंने आवाज़ बाद में दी है, वीडियो ऑलरेडी पहले शूट हो चुकी है। सो और डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ काइन मास्टर की लिंक, अगर काइन मास्टर इंस्टॉल करना है, एडिटिंग करनी है मेरे जैसे, तब जरूर से कर सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। ये बाय बोल दिया और उसके बाद ये आपको ट्रिम करना है, क्योंकि वो मैं कैमरा जो बंद करता हूँ, मैं अकेला शूट करता हूँ तो कैमरा बंद करने के टाइम पे जो है आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पॉज हुआ, तो इसको और ट्रिम आप कर सकते हैं इस तरीके से और फिर यह बंद हो जाएगा। सो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे आपको इस पे जाना है, उसके बाद में FHD 100 1080p, फिर आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, वो एक आपको ऐड देगा, हाँ तो ऐड ख़त्म हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। सो अभी मैं वीडियो बंद कर दूँ क्योंकि एक्सपोर्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है। सो बाद में मिलते हैं अब।